दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के फेमस तरीन कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा एडवाणी की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर इमरान खान के फिल्म्स में कमबैक के बारे में और फिर हम आपको रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण के बारे में अपडेट करेंगे। एक्टर कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी ने वेंसडे को अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई। इंस्टाग्राम पर सिद्धार्थ ने कियारा अडवाणी के साथ एक पोस्ट शेयर की और उन्हें बेस्ट पार्टनर कहा। उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की। तस्वीर में सिद्धार्थ और कियारा दोनों को सनसेट के वक्त ग्रीनरी के बीच अलग अलग घोड़ों पर देखा जा सकता है। सिद्धार्थ और कियारा लास्ट ईयर 7 फरवरी को राजस्थान में शादी के बंधन में बंधे। दोनों को अपनी फिल्म शेरशाह की शूटिंग के दौरान लव हुआ। उन्होंने अपनी शादी के लिए सूर्यगढ़ पैलेस में एक शानदार इवेंट होस्ट किया जहां उनके फैमिली मेंबर्स और सिर्फ करीबी दोस्त मौजूद थे। सात फेरे लेने के बाद सिद्धार्थ और कियारा ने अपनी शादी के इवेंट की पिक्चर्स पोस्ट किए और लिखा, अब हमारी परमानेंट बुकिंग होगी। सिद्धार्थ को रिसेंटली इंडियन पुलिस फोर्स की वेब सीरीज में देखा गया था। रोहित शेट्टी की क्रिएटेड पुलिस एक्शन ड्रामा सीरीज में शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबेरॉय, श्वेता तिवारी लीड रोल्स में हैं। 7 एपिसोड्स पर बेस्ड एक्शन सीरीज 19 जनवरी से प्राइम वीडियो पर चल रही है। सिद्धार्थ अगली बार एक्शन थ्रिलर फिल्म युद्ध में नजर आएंगे जिसमें दिशा पटानी और ऋषि खन्ना भी हैं। अब बात करते हैं एक्टर इमरान खान के कमबैक के बारे में। इमरान खान बॉलीवुड में कमबैक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि कब। सस्पेंस के बीच उन्होंने वोग इंडिया से बात की और जाने तू या जाने ना के आइडिया के बारे में बात की। ये फिल्म जेनेलिया डी सूझा के साथ इमरान खान की बॉलीवुड की डेब्यू फिल्म थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपनी हिट फिल्म जाने तू या जाने ना के सीक्वल के साथ कमबैक करना चाहेंगे, इमरान ने कहा, जाने तू बहुत सारे लोगों की कहानी थी, ये दो नौजवानों की कहानी है जो बड़े हो रहे हैं। ये समझते हुए कि वो एक पार्टनर में क्या ढूंढते हैं और अपनी मोहब्बत का रास्ता तलाश करते हैं, ये इस कदर खूबसूरती से एंड होता है कि मुझे नहीं मालूम कि उन कैरेक्टर्स के लिए क्या एडिशनल इमोशनल ग्रोथ हो सकती है। इमरान खान एक्टर आमिर खान के भांजे हैं। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया और बाद की मशहूर फिल्मों में आमिर के बचपन का वर्जन प्ले किया, जिनमें मंसूर खान की 1988 की रोमांटिक फिल्म कयामत से कयामत तक शामिल है। इमरान ने एक लीड रोल के तौर पर जाने तू या जाने ना से अपना डेब्यू किया, जिसने उन्हें रोमकॉम हीरो के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया। इमरान खान बहुत सी फिल्मों में नजर आए और फैंस ने उनके काम को बहुत पसंद किया था, इसलिए वो उन्हें अब दोबारा स्क्रीन्स पर देखने के लिए एक्साइटेड है। बात की जाए फिल्म रामायण की तो नीतीश तिवारी की रामायण की प्री प्रोडक्शन जिसमें रणबीर कपूर हैं जोरों पर है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर फिल्म में भगवान राम का रोल प्ले करने के लिए एक्सटेंसिव वोकल ट्रेनिंग से गुजरेंगे, क्योंकि नीतीश चाहते हैं कि रणबीर मुख्तलिफ आवाज दें। रिपोर्ट के मुताबिक दंगल डायरेक्टर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और काफी होमवर्क कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने डिक्शन और डायलॉग के लिए एक अलग टीम बनाई है जो एक्टर्स के साथ मिलकर काम करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर को पहले ही एक डिक्शन माहिर के पास रखा गया है जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि उनकी डायलॉग डिलीवरी डायरेक्टर के विजन के मुताबिक हो। उनका दावा है कि कॉस्ट्यूम्स पर भी खास जोर है। रामायण में नीतीश इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि रंबूर का रोल उनके पास्ट रोल से डिफरेंट हो। एक वर्साटाइल एक्टर होने के नाते वो कुछ नया करने के इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं।